नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मोहम्मद फिरोज खान को विभिन्न संगठनों द्वारा बधाई दी। बीदर शहर में रमजान के चलते बाजार में हुजूर। पाजी में व्यक्तित्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। एनएसयूआई के राज्य महासचिव और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान को गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी एनएसयूआई द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद मोहम्मद फिरोज खान को उनके समर्थकों ने बधाई दी है। मोहम्मद फिरोज खान को कांग्रेस द्वारा अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। फिरोज खान ने हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम करते आए हैं। इस बार भी पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने की उम्मीद है। मोहम्मद फिरोज खान को जिले विभिन्न संगठनों द्वारा बधाई दी गई है। बीदर शहर में रमजान के माह के चलते रौनक छाई हुई है। शहर के पुराने क्षेत्र में बाजार देर रात तक चल रहे हैं, तो वहीं पुराने शहर में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के निवासियों के अलावा आसपास के ग्राम के लोग भी बाजार में खरीदी के लिए उमड़ रहे हैं। शहर के गवान चौक और कप्पड़ लाइन में वाहनों की वाजाही बाधित है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में बाजार में मुड़े हुए हैं। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। पार्टी में व्यक्तित्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परस्पर विरोधी नेताओं को दी चेतावनी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि व्यक्तिवाद की कोई गुंजाइश नहीं है और पार्टी के सभी नेताओं को कोलार लोकसभा क्षेत्र में जीत के लिए काम करना होगा। उन्होंने यह बात एक दिन बाद कही जब एक मंत्री और 5 विधायकों ने धमकी दी कि अगर कोलार का टिकट मंत्री के एच मुनियप्पा के दामाद चिक्का पेद्दन्ना को दिया गया तो वे अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यहां सदाशिव नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री कुमार ने कहा, कोलार में टिकट के लिए उम्मीदवारों का दबाव है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। इस पर कोई भी पार्टी से इस्तीफा नहीं देगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही है। हमने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से कर्नाटक का दौरा करने का अनुरोध किया है, यह देखते हुए कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पूरे देश में यात्रा करनी है। हम उनसे कर्नाटक में बहुत अधिक दिन बिताने की उम्मीद नहीं कर सकते। कर्नाटक में लिंगायत संतों ने लोकसभा चुनाव के लिए धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। फकीरा दिंगलेश्वर स्वामी जी ने एएनआई को बताया, कर्नाटक के संतों ने धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद भाजपा के प्रहलाद जोशी के बारे में चर्चा की है। सभी मठों के प्रमुखों ने सांसद को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने 4 दिन का समय दिया है। हम 31 मार्च तक इंतजार करेंगे। हम देखेंगे कि इन 4 दिनों में अला कामना क्या करता है। उसके बाद 2 अप्रैल को हम एक साथ आएंगे और आपको अपने फैसले के बारे में बताएंगे। हम किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंसान का व्यक्तित्व वाकई खराब होता है। हर समुदाय उनसे नाखुश है, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। हमें 2 अप्रैल तक इंतजार करना
करना होगा। हम पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रहलाद जोशी और उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। बुधवार को उनके हवाले से कहा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर की तरह दक्षिण में भी स्वामी जी को राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य में तपेदिक रोधी दवाओं की आपूर्ति बाधित कर रही है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। यह बेहद चिंताजनक है कि केंद्र सरकार द्वारा एंटी टीबी दवाओं की आपूर्ति में लगातार रुकावटों के कारण कर्नाटक में सालाना 80,000 से अधिक टीबी रोगियों का स्वास्थ्य और कल्याण खतरे में पड़ रहा है। निरंतर उपचार सुनिश्चित करने के हमारे अथक प्रयासों के बावजूद हाल के निर्देशों से केवल स्थिति को और खराब कर दिया। यह अस्वीकार्य है कि महत्वपूर्ण दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, खासकर जब हजारों टीबी रोगियों का जीवन दांव पर। केंद्र सरकार की देरी से संचार और आदर्श आचार संहिता के द्वारा निर्देश जारी करने से आवश्यक दवाओं की खरीद के हमारे प्रयासों में गंभीर बाधा आई है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और स्थिति को हल करने का आग्रह किया। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। मौसम एजेंसियों ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में तापमान बढ़ रहा है, जो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इस आलोक में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इन राज्यों में अगले दो दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है। एक बयान में IMD ने कहा कि 27 से 29 मार्च के दौरान उत्तरी यांत्रिक कर्नाटक, 27 से 28 मार्च को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, और 27 मार्च को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। अपने दैनिक बुलेटिन में IMD ने हीट वेव की चेतावनी जारी की और कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में उत्तरी केरल से सटे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान जलवायु संबंधी मूल्य के 95% से अधिक हो रहा है। 27 और 28 मार्च को आंतरिक कर्नाटक के विस्तारित क्षेत्रों में जलवायु संबंधी मूल्य के 95% से अधिक बने रहने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के मंडिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के फैसले ने क्षेत्र में राजनीतिक उत्साह की एक नई लहर पैदा कर दी है। अपने राजनीतिक गढ़ रामनगर को छोड़कर कुमार स्वामी के मंडिया जाने से क्षेत्र में सत्ता की बदलती गतिशीलता के बारे में चर्चा छिड़ गई है। इस फैसले ने JDS कार्यकर्ताओं को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया है, जब मंडिया के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देने या रामनगर की राजनीतिक विरासत को त्यागने की दुविधा से जूझ रहा है। मंडिया से कुमार स्वामी की उम्मीदवारी ने विभिन्न राजनीतिक गणनाओं और अटकलों को हवा दे दी है। JDS कार्यकर्ता दौड़ में उनके प्रवेश को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं, जो कांग्रेस उम्मीदवार स्टार चंद्र को चुनौती देने और ऐतिहासिक मैसूर क्षेत्र में पार्टी की संगठनात्मक ताकत को बढ़ाने में सक्षम है। मतपत्र पर कुमार स्वामी की उपस्थिति ने JDS समर्थकों में उत्साह भर दिया है, जो मंडिया में उनके महत्वपूर्ण प्रशंसक आधार को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी को जीत का स्पष्ट रास्ता मानते हैं। कुमार स्वामी के फैसले के पीछे के राजनीतिक तर्क को गहराई से समझने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि JDS के सामने अस्तित्व का प्रश्न है, खासकर भाजपा के साथ गठबंधन के मद्दे। चुनाव आयोग के अनुसार 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से बुधवार को कर्नाटक में जब्ती 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई। कर्नाटक में 28 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव दो चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को होंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि 16 मार्च से अब तक चुनाव आयोग ने उड़न दस्तों, पुलिस और स्थैतिक निगरानी टीम सहित अपनी प्रवर्तन टीमों के समन्वय से कर्नाटक में 55.76 करोड़ रुपए की जब्ती की है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से
उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों और पुलिस अधिकारियों ने 19.69 करोड़ नकद, 65.43 लाख मुफ्त वस्तुएं, 8.39 लाख लीटर जब्त किए। कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य के एक प्रमुख हस्ती और राज्य के भाजपा विधान परिषद के सदस्य तेजस्विनी गौड़ा ने बुधवार को स्पीकर बसवराज होरट्टी को अपना इस्तीफा सौंपकर सुर्खियां बटोरी। तेजस्विनी के भाजपा छोड़ने के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। अटकलें मैसूर कुड़कू निर्वाचन क्षेत्र के लिए टिकट नहीं मिलने पर उनके असंतोष की ओर इशारा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि एमएलसी पद से हटने का उनका निर्णय इस हालिया घटनाक्रम से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। खासकर यदुवीर वरियार को मैसूर कुड़कू लोकसभा सीट के लिए टिकट दिए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में तेजस्विनी की कांग्रेस में संभावित वापसी की सुगबुगाहट चल रही है। एक पत्रकार के रूप में अपनी जड़ों से निकलकर कांग्रेस के बैनर तले संसद सदस्य के रूप में सेवा करने वाली तेजस्विनी की राजनीति में यात्रा उल्लेखनीय है। 2004 में कनकपुर लोकसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ उनकी जीत ने राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद फिरोज खान को विभिन्न संगठनों द्वारा बधाई दी। बीदर शहर में रमजान के चलते बाजार में हुजूर। पार्टी में व्यक्तित्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।